आज जो है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बात है सो आप कि लोगों को जो मतलब दिखाएंगे। हाँ जबकि पापा सबको बुलाए, इसको भी बुलाए हैं कहीं कहाँ, क्या क्योंकि वहाँ बात जाएंगे, है क्या नहीं सब है। बात है नहीं है सो आप लोगों को दिखाएंगे, सो आप लोग बने रहिएगा। क्यों दोस्तों, मन्नू ने आरती के भाई और पापा पर बैठा दिया पंचायत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो मन्नू है उसका तो शुरू से ही यही मानना है कि जो कुछ भी छोटू के साथ हुआ है उसमें आरती की फैमिली ही सबसे बड़ी गुनहगार है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तो मन्नू ने दोस्तों बेहद ही खतरनाक एक्शन ले लिया है। मनु ने सीधे सीधे आरती के भाई और पापा के ऊपर पंचायत बैठा दिया है। आपको पता होगा दोस्तों कि आरती के पापा और भाई जेल से छूटकर आ चुके हैं। ऐसे में मनु को डर सता रहा है कि कहीं छोटू के साथ जो कुछ भी हुआ कहीं वैसा ही उनके साथ भी ना हो जाए। इसके अलावा मनु चाहता है कि जो आरती की फैमिली है उसके पापा और भाई हैं वो जेल की सजा काटे, इतना जल्दी वो जेल से बाहर ना आए। ऐसे में मन्नू जो है वो काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है और उसने सीधे सीधे अब पंचायत बैठा दी है। दोस्तों हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे में आरती को भी परेशानी का सामना करना पड़े क्योंकि मन्नू जो है वो काफ़ी सख्ती के साथ पेश आ रहा है और मन्नू ने साफ कर दिया है कि वो अपने भाई के मुजरिमों को छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे में आगे आने वाले दिन ना ही तो आरती के लिए आसान होने वाले हैं और ना ही तो आरती के पापा और भाई के लिए, क्योंकि ये जो पंचायत बैठी है देखना ये है कि इसमें क्या फैसला आता है और इसके बाद क्या सभी लोग आरती के पापा और भाई के खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर आरती के पापा और भाई के साथ खड़े हो जाएंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आरती को इसमें नहीं पिसना पड़ेगा। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।